नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक भी मौसम केंद्र भोपाल। अभी प्रदेश के मौसम के बारे में चर्चा किया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज किया है, और सबसे ज़्यादा बारिश वेस्टर्न एमपी में हुआ है, नर्मदापुरम में 40.8 मिलीमीटर, और ईस्टर्न एमपी पे हुआ है 19.4 मिलीमीटर एट अनुपुर डिस्ट्रिक्ट। और काफ़ी जगहों पे ओलावृष्टि, शिवनी, बालाघाट वो रीजन में ओलावृष्टि और थंडरस्टॉर्म विद गस्टी विंड भी दर्ज किए थे। तो अभी सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और आने वाले दिनों में वो ईस्ट की तरफ मूव हो जाएगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है राजस्थान के ऊपर, और अनदर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र में है, और एक विंड डिस्कंटिन्यूटी और ट्रफ जा रही है साउथ गुजरात से नॉर्थर्न तमिलनाडु तक एक्रॉस मध्य महाराष्ट्र, तो और बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है। तो ये सिस्टम्स की इंटरेक्शन की वजह से अभी जो भी पिछले दिन बारिश और थंडरस्टॉर्म हुआ वो आने वाले दिनों में भी इसका असर रहेगा। तो इस सिस्टम्स के हिसाब से हमने चेतावनी जारी किया है। अब इसमें देख सकते हैं कि आज के लिए जो चेतावनी दिया ईस्ट एमपी के काफ़ी जगहों पे थंडरस्टॉर्म विद गस्टी विंड 40-50 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ कुछ जगहों पे जैसे छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी रीजन में और तेज में हवा, लेकिन 50-60 किलोमीटर पर आवर का हवा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये स्थिति आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह रही है, थोड़ा सा वेरिएशन है फिर भी, मतलब ईस्टर्न एमपी की काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म विद गस्टी विंड एंड ओला का भी संभावना है 40-50 किलोमीटर पर आवर में। इस वेस्टर्न एमपी का भी भोपाल, विदिशा ये सब रीजन में भी थंडरस्टॉर्म और एकम्बिनेट विद गस्टी विंड्स का संभावना है। और नेक्स्ट डे में देखा गया तो ये थोड़ा और कमज़ोर हो रही है, लेकिन ईस्टर्न एमपी के काफ़ी जगहों में थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड का चेतावनी दिया है 40-50 किलोमीटर पर आवर में, और वेस्टर्न एमपी का भी मतलब रीजन में काफ़ी रीजन में थंडरस्टॉर्म दिया है, बट हवा 30-40 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट डे में देखा गया 12 तारीख तक ये सिस्टम दिख रहे हैं कमजोर हो जाएगा, थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग का चांसेस है 30-40 किलोमीटर पर आवर का हवा एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये स्थितियों में अभी टेम्परेचर देखा गया तो ज़्यादातर चेंज नहीं है मैक्सिमम टेम्परेचर में, अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं 3-4 दिन में यही कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।